बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह सुब्हान तआला से दुआ है कि हम सबको अपनी ज़ुबान में रखें। आज हम बना रहे हैं एग अनियन टोस्ट। उसके लिए हमने ये देखे, प्याज को मोटा मोटा काट के उसकी से परते से बना लिए। ऑनियन रिंग्स बनाते हैं ऐसे, हमने ये देखे ना, छोटे छोटे रिंग बना लिए प्याज के। दो अंडे लिए हैं उसके हमने। इसमें हमने 2 टेबलस्पून बरीक कटे टमाटर शामिल करने हैं, 2 अदद बरीक हरी मिर्चें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, टमाटरों को हमने बहुत बरीक बरीक काट, ये 2 टेबलस्पून हमने बरीक चॉप की हुई प्याज और 2 टेबलस्पून बरीक कटा हुआ हरा धनिया शामिल किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 2 टेबलस्पून मैदे की हैं वो शामिल करें। नमक 1/4 टीस्पून, ये 1/2 टीस्पून इसमें हमने चाट मसाला शामिल किया। अच्छी तरह मिक्स कर लेना। इस मौके पे हम इसमें नमक मिर्च का टेस्ट काट सकते हैं। अगर आपको नमक मिर्च कम लगे तो इसमें और शामिल कर सकते हैं। ये देखिए, ये अंडे का बैटर हमने रेडी कर लिया, इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया। चले आइए अब स्टार्ट करते हैं। 2 टेबलस्पून हमने ऑयल के डाले हैं और आंच हमने बिल्कुल हल्की रखनी है। ऐसे हमने रिंग सारे रखने हैं। आपने ऑनियन के क्रिस्पी रिंग तो फ्राई किए होंगे, लेकिन ये जो है ये आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, इसको आपने ज़रूर ट्राई करना है। एक चम्मच के साथ इसके अंदर सारी फिलिंग डाल दें। प्लेट का बैटर हमने रेडी किया, वो इसमें हमने डालना है। अनियन टोस्ट जो है, इसको आप अफ्तारी में भी तैयार कर सकते हैं। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये डिफरेंट स्टाइल की रेसिपी है। ये देखें, प्याज से ये सारी जो है ना फिलिंग कर दी इसके अंदर। अब बिल्कुल हल्की आंच पे हमने इसको पकने देना है। दो मिनट हमने दूसरी साइड से पका लिया है। इसको दबा के देखें, ये देखें अंडा हमारा पक गया अच्छी तरह। अब इसको हमने निकालना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे एग ऑनियन टोस्ट रेडी हो गए हैं। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना और कमेंट में बताना है। ये देखें, ये अंदर से कितना, ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अंदर से ये जो सारा ऑमलेट है वो ये पका हुआ है। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, कमेंट्स में बताना है। अच्छा जी, आप इजाज़त दें, नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह।